हेलो फ्रेंड्स, ये है नॉइस कलरफिट हेक्सा। अभी लॉन्च ऑफर में 2200 रुपये, बाद में इसका रेट बढ़ा देंगे लोग। इसका मेन जो हाईलाइट फीचर है वो है इसका RQ कर्व डिस्प्ले। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग है, 1.96 का AMOLED डिस्प्ले है और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। बॉक्स के ऊपर तो उन्होंने डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया लिखा है, लेकिन नॉइस के जब साइट पर जाएंगे तो इसी प्रोडक्ट के नीचे उन्होंने लिखा है कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। इसका मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, और बाकी क्या क्या फीचर्स है यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए अनबॉक्स शुरू करेंगे। पहला तो ये है वॉच, ऊपर जो QR कोड का स्टिकर चिपका हुआ है, मे बी वो ऐप का होगा। फिलहाल इस वॉच को तो बाजू करेंगे। फिर है चार्जर, वायरलेस चार्जर है। कुछ पेपर्स है जैसे स्टिकर्स, वारंटी, गाइड बुक। चलिए आखिर में अभी वापस वॉच पे आते हैं। ये है हमारा वॉच। पहला चीज दिखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है और काफी प्रोफेशनल लुक है। लुक्स वाइज तो मुझे बहुत पसंद आया। ये जो कलर है वो क्लासिक ब्राउन है, इसका लेदर स्ट्रैप है। इसके अलावा क्लासिक ब्लैक करके एक वेरिएंट है, उसमें भी लेदर स्ट्रैप रहेगा। लेदर स्ट्रैप के अलावा आपको सिलिकॉन स्ट्रैप बेस में भी आपको वॉचेस है। उसमें तीन कलर्स है, टील ब्लू, विंटेज ब्राउन और जेट ब्लैक। जो स्ट्रैप्स रहेंगे वो स्टैंडर्ड 22mm वाले हैं। अभी चलिए इसका इनिशियल सेटअप करेंगे। यहाँ भी सबसे पहले आपको QR कोड दिखेगा, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बस चालू हो गया। स्क्रीन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ब्राइट है और क्रिस्प है। मोबाइल और वॉच को लिंक करने के लिए नॉइस फिट का एस ऐप जो है उसे डाउनलोड करिए। आपका जीमेल अमाउंट उसमें लिंक करिए। आपका कुछ डाटा पूछेगा वो आपको फिल करना पड़ेगा। बस ऐप खुल गया। स्क्रीन के नीचे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, उसमें डिवाइस में जाइए, वहाँ ऐड डिवाइस ऑप्शन रहेगा, उसे क्लिक करिए। लोकेशन परमिशन सब पूछेगा। आपका वॉच यहाँ दिखने लगेगा, कलर फिट हेक्सा में सेलेक्ट करिए। कुछ सेकेंड्स लगेंगे इसे पेयर होने के लिए। फिर आप ब्लूटूथ कॉलिंग का जो ऑप्शन है उसके लिए आपको अलग से पेयर करना पड़ेगा, आप यहीं से उसे कर सकते हैं। और कुछ रिकमेंडेशंस ऐप में आपको आएगा, वो आप उसको फॉलो करिए। बस इससे आपका वॉच और मोबाइल लिंक हो चुका है, ऐप भी रेडी है। आखिर में आते हैं इसके फर्स्ट इंप्रेशंस में। वीडियो अगर अभी तक अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सही लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। बिल्ड में साइड में तो एक सिंगल बटन है, इस साइड में आपको स्पीकर दिख जाएगा। इसका जो मेजर फीचर इन्होंने हाईलाइट किया है वो है RQ कर्व डिस्प्ले। इसको यूज़ करने के बाद मुझे इसका स्क्रीन थोड़ा और इमर्सिव लग रहा है। मे बी जो वॉच में जो स्क्रीन का कर्व है उसके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। इसका डिस्प्ले भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एक और चीज़ मुझे सही लगा, इसका UI काफ़ी स्नैपी है, मतलब रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। लेफ्ट में आपको शॉर्टकट दिख जाएंगे, राइट में आपको इसके विजेट्स दिख जाएंगे, ऊपर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे और नीचे इसको सेटिंग्स रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। साइड बटन से क्लिक करने पर मेनू खुल जाता है और ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मुझे इसका फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी सही लगा, मेरा एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई है इस वॉच के लिए। अपना रिस्ट फिट दिखा देता हूँ मैं। मेरा जो रिस्ट है वो 7 इंच का है। ये स्ट्रैप भी रिप्लेसेबल है, इसको क्विक रिलीज स्ट्रैप बोलते हैं। आप चाहे तो अलग अलग स्ट्रैप्स लेके अपना वॉच का लुक्स भी चेंज कर सकते हैं। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो अगर इस वॉच के अपना स्पेसिफिकली और जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स एंड गुड बाय।